है गाइस, सो आज हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट हमें बनाना है तो फोर व्यू हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट में गए, स्पेस बार प्रेस कर दिया। यहाँ पे मुझे इमेज लेना है तो मैंने एक इमेज सेव किया है, ये इमेज मैं आपको लिंक में दे दूंगा। यहाँ पे व्यू पे गए, यहाँ पे इमेज आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल वी, एड्रेस आपने कॉपी एंड पेस्ट कर रखा है और आप इमेज यहाँ से कॉल कर सकते हो। पहला काम, इमेज को आपको यहाँ पे इमेज प्लेन आपका आ गया, यहाँ पे प्रेस करना है डब्लू। डब्लू प्रेस करोगे, ठीक है, ऑल्ट और राइट क्लिक से ये जूम इन, और मैंने मूव से इसको यहाँ पर रख दिया। देखो, सबसे पहला काम, अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। दूसरी चीज़ है, यहाँ से हम लोग व्यू में जाएंगे, इमेज इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे। अभी इसको देखो, इसको हम लोग मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक। मैंने यहाँ पर ये, जब भी आपको कोई भी काम करना है आपको ग्रिड के ऊपर रखना है। ये ग्रिड की लाइन दिख रही है यहाँ पे, प्लस इस प्लस के ऊपर ही आपको कोशिश करना है आपको रेफरेंस को रखें, ठीक है, और ये सेंटर पे रहेगा। ओके, अभी ये मेरी प्लानिंग है तो प्लानिंग करने का देखो, कमांड मैं आपको पहले बता चुका हूँ मुझे कैसे डील करना है, किस तरह से काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सबसे पहले काम यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये मेरा इमेज प्लेन है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, चैनल बॉक्स, चैनल बॉक्स पे क्लिक किया। यहाँ पे जैसे मेरे पास होता है लेयर, ठीक है, तो मैंने एक लेयर क्रिएट किया पहला काम। दूसरा, इस इमेज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड ऐड सेलेक्टेड, ये ऑन ऑन ऑफ कर दिया तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन यहाँ से लॉक का एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे टी एन आर कर दूंगा, आर पे ये सिलेक्ट भी नहीं होगा अगर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सेव हो जाएंगे। अभी मुझे यहाँ पे इसको बनाना है, बनाने से पहले चीज़ों को समझो, क्या बनाने से पहले मेरी प्लानिंग क्या है। देखो, अभी ये जो मैं बनाऊंगा वन साइडेड ही बनाने वाला हूँ, एक तरफ ही बनाने वाला हूँ, पीछे वाला डुप्लीकेट हो जाएगा। ये हमारे सिस्टम के अंदर, माइक के अंदर बेनिफिट होता है। इसको बनाने के लिए क्या, इसमें जितने भी कट है, जो कट नज़र आ रहा है ये कट आपका टेक्स्ट में होता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए। हैंड पेंट टेक्स्ट का मतलब क्या, ये जो कट है ये सब है, ये सब हम लोग टेक्स्ट में डालेंगे। ये जितना बाट है ये हमें मॉडल में करना है। अभी जब हम लोग गेमिंग कहते हैं, अभी गेमिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंस का तो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं थोड़ा सा तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। फोटोशॉप में जाकर, फोटोशॉप सबको आता ही होगा, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, किसी भी सॉफ्टवेयर में, जस्ट मैं इसमें आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मॉडल बनाना है तो मेरी मॉडल की प्लानिंग क्या होगी, कैसे होगी, ठीक है। तो अभी मैं इस इमेज को देख लेता हूँ। जैसे देखो, अभी यहाँ पे अगर देखा जाए, यूजुअली देखा जाए तो ये नीचे सिलेंडर नज़र आ रहा है ना, तो सिलेंडर है। अभी सिलेंडर में कहेंगे सेगमेंट कितना है तो नहीं पता होगा, 2, 4, 10 जितना मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन गेमिंग के अंदर क्या होता है, गेमिंग के अंदर आपको काउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक नया लेयर लिया, ठीक है, बी फॉर ब्रश, ताकि मैं कलर में डाल सकूँ। यहाँ पे यहाँ से मैंने एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्रश का साइज़ बिग ब्रैकेट से छोटा कर लिया। अभी मैं पहले प्लानिंग बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, जो साइज़ है यहाँ पे, ये मैंने एक क्लिक किया स्विफ्ट एंड स्विफ्ट, यहाँ पे वन क्लिक कर दिया। एक एजेस मेरे पास यहाँ पे लेना है, दूसरा एजेस मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है, ठीक है, तीसरा एजेस मुझे यहाँ से यहाँ लेना है। अगर आपको पहले से प्लानिंग हो जाएगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे माया में गया, ठीक है। अभी माया में बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैंने सिलेंडर लिया, ठीक है, सिलेंडर लिया, मैं सिलेंडर उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये मेरा बेसिक सा प्रोसेस है, स्केल किया, मैंने यहाँ पे लगा दिया, अच्छा भी लगेगा, हाँ ये मैंने कर दिया। लेकिन क्या, जैसे हम लोग पैसे खर्च करते हैं ना, वैसे ही गेमिंग में पॉलीगन खर्च करते हैं। अभी यहाँ पे कितना है, अगर देखो तो इसमें ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये भी एक तरीका है, इसको मैं ऐसे बना दूंगा तो मेरे पास ये काम हो जाएगा। टेक्निकली कई लोग ये काम करते हैं। ये जो मॉडल बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन जैसे आप, जैसे टॉम एंड जेरी की मूवी बनती है, आपका जैसे स्पाइडरमैन की मूवी बन रही है, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, जैसे आपका भी राय द लास्ट ड्रैगन है, वैसे कुछ मूवी बनी है, ठीक है, आपका इनक्रेडिबल है, ऐसी मूवी है, ये सब प्रोडक्शन में इतने सेगमेंट चलेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ भाई मुझे लक्ष्य में जाना है, कोई गेम है, किसी भी गेम के अंदर मुझे मॉडल बनाना है, तो इसके अंदर जो मैं मॉडल मैं बनाऊंगा, मैंने लिया सिलेंडर, फिर से सेगमेंट रखूंगा यहाँ पे, कितना, यहाँ पे देखो रेडियस है, रेडियस में यहाँ पे एक्सिस है, सब डिविजन कितना 40, तो मैंने कर दिया 4, एंटर। अभी यहाँ से अगर मैंने इसको यहाँ पे सेट किया, रेडियस को यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके छोटा कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, 4 प्रेस करोगे आपको वायरफ्रेम नज़र आएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज किया,
तो अभी देखो इतना डिफरेंस आएगा, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया, हाइट है, हाइट को मैं कम कर सकता हूँ यहाँ पे, हाइट को मैंने कम कर दिया तो चीज़ों को यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे ठीक। अभी अगर आप देखो तो दोनों डिफरेंस बता देता हूँ, चलते हैं पर्सपेक्टिव में, गए पर्सपेक्टिव में, स्पेस बार पर्सपेक्टिव, दिस वन एंड दिस वन, ऑल्ट एच, ऑल्ट एच से बाकी सब गायब। फोर आपको वायर फ्रेम है, फाइव फोर सरफेस, सरफेस का मतलब ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फोर से वायर फ्रेम, फाइव फोर सरफेस, ठीक है देखना है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो ये सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर नहीं है, लेकिन गेमिंग में आप अगर जाते हो तो गेमिंग में इसको ही यूज़ कर देंगे सिलेंडर का। देखो एक और कॉपी करके दिखाता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट पता है, टॉप पे गए, एफ फोर फोकस, राइट क्लिक एंड फेसेस, फेसेस यहाँ पे हो जाएगा, फेसेस सेलेक्ट किया, फेसेस सेलेक्ट करने के बाद इसको कर दो डिलीट, क्योंकि आधा हमें वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, पिछला आप डुप्लीकेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे डिलीट कर दोगे तो देखो डिलीट ऐसा हो गया, ये आपका आधा देखिएगा, आधा आपको काम हो जाएगा। अभी मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ, अभी मुझे रखना तो वही है, लेकिन जब आगे चल के इसमें मैं टेक्सचर करूँगा, जब टेक्सचर करूँगा तो मैं आधे पे करूँगा और आधा अपने आप पीछे आ जाएगा, तो मेरा आधा काम टेक्सचर का बच जाएगा। जैसे देखो ये मेरे पास जो इमेज है ना यहाँ पे, ये इमेज है, ये टेक्सचर दिख रहा है, अभी इसमें कैसे ये लेयर बाय लेयर बने हुए हैं, है ना। अभी मैं ऐसा बनाने जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे मॉडल में टाइम लगेगा, मुझे काम कर देना है टेक्सचर में। मॉडल अपना ये है, मॉडल पर देखो इसको दूसरा तरीका दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड एजेस, एजेस पे गए, स्विफ्ट एंड सॉफ्ट एजेस। अभी देखो, अभी देखो ये देखो आ रहे हैं, ये लुक एंड फील आ रहे हैं। अभी आप यहाँ देखो ये आपका पॉइंटेड नज़र आ रहा है, सिलेक्ट करो, यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे, ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे अगर मैं से एक ऑप्शन और देता हूँ कंट्रोल डी किया, फिर से एक बार देख लें यहाँ पे, राइट क्लिक एंड एजेस, इसको सिलेक्ट कर दिया, एजेस स्विफ्ट राइट क्लिक, स्विफ्ट प्रेस करो, राइट क्लिक करो, सॉफ्ट एजेस, यहाँ पे सॉफ्ट एजेस कर देना है, सॉफ्ट एंड एजेस दिख रहे हैं अभी, सॉफ्ट एजेस हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये इसको मैं हार्ड करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक एजेस, सेम ऑप्शन, सिर्फ राइट क्लिक एंड हार्ड एजेस, हार्ड एंड एजेस दिख रहे हैं अभी, ये हार्ड एजेस हो गया यहाँ पे देखो। अभी इसमें देख रहे हो यहाँ पे, अभी देखो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, ये हार्ड नज़र आ रहा है, ये हार्ड नहीं है, मॉडल वही है लेकिन सॉफ्ट नज़र आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन जो यूज़ होगा गेमिंग के अंदर, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला भाई ये शॉर्ट बनाना है, और शॉर्ट बनाने के लिए आपको मैंने सिर्फ 100 पॉलीगन दिए हैं, 100 पॉलीगन या 100 ट्राइज दिए हैं, ट्राइज और पॉलीगन का फंडा बताता हूँ। अब देखो जैसे अभी मैंने इसको यूज़ किया, अभी मुझे जैसे पैसों में थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को पैसे का तो आइडिया होता ही है ना, 100 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्ले में जाता हूँ, यहाँ पे हिट्सअप है, ठीक है, यहाँ पे पॉली काउंट है, यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑप्शन भूल जाओगे, वीडियोस तो है ही, वीडियोस में एक बार दो बार तीन बार देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ये आपका हो गया पॉली काउंट, ठीक है, डिस्प्ले हेडसअप एंड पॉली काउंट, इसे ऑन कर दो। अभी पता चलेगा हमने बनाया कितने कितने में, ये हमने पहले जो प्रोडक्शन वाला बनाया, प्रोडक्शन में अगर आपसे गेमिंग का जो टेस्ट होता है, गेमिंग के टेस्ट में क्या बोलते हैं भाई, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा शॉर्ट बनाना है आपको 100 या 200 ट्राइज में। इस मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया, कितना ट्राइज है, 160 ट्राइज तो सिर्फ यही है, है ना। अभी देखो इसको सिलेक्ट करके कितना ट्राइज है, 8, ठीक है ना, 8 ट्राइज है ना। अभी तो इन चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं, कम से कम है। अभी यहाँ पे देखो आपको 160 करना है या 8 करना है, 160 रुपये खर्च करना है या 8 रुपये खर्च करना है, सेम चीज़ के लिए, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो गेमिंग वाले आपसे यही बोलेंगे, इसलिए आपको दो वराइटीज़ दूंगा, एक प्रोडक्शन और गेमिंग, ताकि आप जहाँ आप काम करो तो आपको आइडिया मिल जाए। दूसरी चीज़ एक दो वीडियोज़ मैंने चैनल पर डाले हैं, उससे एक बार देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा, दिखाता हूँ। चलो चैनल पे चलते हैं, चैनल पे गए, यहाँ से जाना है, यहाँ पे सिंपल आपको सर्च करना है SWORD शॉर्ट, शॉर्ट पे गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे एडवांस, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे वीडियो दे रखा है, इसके अंदर 7 वीडियोज़ हैं, इन 7 वीडियोज़ में आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा, जिसमें आपको ये लेवल हमने दिया है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन में आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी तक हमने सेगमेंट दिए हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा मिड में रखा है, थोड़ा सा गेमिंग, थोड़ा सा प्रोडक्शन मिक्स करके देखो, सेगमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी एट देन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एट देन में आपको देखिएगा पूरा पूरा, ये देखो कितने सेगमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको इतने सेगमेंट दिख रहे हैं, अच्छा खासा सेगमेंट नज़र आ रहा है ना। तो ये चीज़ में ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन लेवल भी है, हम लोग गेमिंग लेवल आज कर रहे हैं, ताकि दोनों चीज़ आप यहाँ पे कर सको, कर पाओ, ये आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अभी डिफरेंसेस पता चल गया,
डिस्प्ले पे गए, वापस मैं लेके आता हूँ इमेज को, इमेज को वापस लेके आने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन एच, एंड यहाँ पे डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, ठीक है आ गया। स्पेस बार प्रेस किया, अभी यहाँ पे जाता हूँ स्पेस बार, यहाँ पर मुझे फ्रंट पे लेके आना, स्पेस बार प्रेस किया, माय पे क्लिक करूँगा, स्पेस बार बटन प्रेस करोगे माय पे लेफ्ट क्लिक करोगे एंड फ्रंट, फ्रंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं फोर प्रेस करता हूँ, फोर प्रेस मुझे दिख रहा है, अभी मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है, मैंने ये पार्ट यहाँ पे दिया, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है जिसको मुझे तो बहुत चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना, हल्का सा स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, इधर से मैंने इसको मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है ये मैनेज हो जाएगा। राइट क्लिक इन वर्टेक्स, इसको मैं हल्का सा ऊपर कर सकता हूँ, ये देखो ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अभी इसी चीज़ को मैं अलग अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ, ये देखो कैमरा नज़र आ रहा है, कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है, शो में गए यहाँ से आपको कैमरा ऑफ कर देना है, तो ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। पहले छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट में जैसे ये देखो, ये दिखना है अब मेरे पास ज्योमेट्री में क्या क्या मिल जाए, क्रिएट में गए, यहाँ पे पॉलीगन है, पॉलीगन में जाके आप यहाँ पे देखें टोरस, टोरस क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। परस्पेक्टिव में गए, टोरस पे गए, अभी देखो मुझे अगर पॉलीगन में सेगमेंट्स के साथ प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया टोरस में गए फोर, यहाँ पे गए फोर, ठीक है, ऑल टच फोर एंड फाइव, ठीक है आ रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, तो रोटेट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे देखो आपको मूव रोटेट स्केल है ना, मूव रोटेट एंड स्केल, यहाँ पर रोटेशन पे गए, इसको मैंने रोटेट किया, रोटेशन में जाके यहाँ पे 90 कर दिया, यहाँ पर वापस स्पेस एंड फ्रंट व्यू, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, जो मैंने इमेज ऑफ किया था, इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए को यहाँ पे भी ऑप्शन है, रेडियस है कर सकते हैं, देखो रेडियस से कैसे छोटा हो रहा है ये समझना है, ठीक है। अभी मैं ऐसे छोटा कर रहा हूँ, एक मेरे पास आर फॉर स्केल, ऐसे छोटा करो, दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चलेगा आपके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं अभी ये पार्ट आपके यहाँ दिख रहा है, फोर प्रेस करो, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे नजर आए, देखो यहाँ पे आर फॉर स्केल, ये जो है पार्ट लिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे चीज़ों को देखो, ये तो ऐसा क्या है, मेरे पास इन चीज़ों को तो ऐसा मैं मैनेज करने वाला हूँ, यहाँ से जो इसको जो समझे, देखो यहाँ पे देखें लाइट का एंगल आ रहा है, तो पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड है, पीछे की दो थिकनेस है, ठीक है, तो ये थिकनेस है आगे से पतला है, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज एंड मॉडिफाई कर देता हूँ फोर एंड फाइव, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ इमेज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे गए, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है ACDC, इसमें एक ऑप्शन होता है टूल्स ऑप्शन एंड ऑलवेज ऑन टॉप, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब ऑलवेज ऑन टॉप होगा तभी ऊपर दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा। जूम प्लस करके यहाँ पे देखा, अभी देखो यहाँ पे मुझे ये शेप नज़र आ रहा है, तो मैंने क्या किया W, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो एजेस है, पहले तो मैं जितना मैच हो उसको उतना मैच कर लूँगा, अब देखो टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन रेफरेंस में क्या दिख रहा है, रेफरेंस तो थोड़ा सा अलग है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखो स्केल कर दिया, मैंने स्केल किया, चलो यहाँ पे किया, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अभी अगर मैच नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फेसिस पे गया, डिलीट कर दिया, वर्टेक्स पे गया, ये इक्वली जाना है वापस हमें, ठीक है, इक्वली जाने, मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता था, तो ऐसे भी करके मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, देखो ये जो रेफरेंस है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, हल्का सा पर्सपेक्टिव है, तो हम लोग को ये समझना है, नहीं मुझे ऐसे थोड़ा सा डील करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कंट्रोल जेड किया अंडू, यहाँ देखो इसको मैं थोड़ा सा मैं इसी से मैं मॉडिफाई करता था, देख रहे हैं ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये इसका तो बेसिक सा पार्ट है, और बेसिक रेडियस से मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा काम होगा, रेडियस देख रहे हैं ये रेडियस है, सेक्शन रेडियस से देखें, ये ऐसे कर सकता है, बेसिक्स को मुझे यहाँ पे इसी से मैच करना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, देखें देखने पर, तो ये होना यही था, लेकिन ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में है, ठीक है, हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ आ रहा, देखो यहाँ पे लाइट दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे किया थोड़ा सा सेक्शन रेडियस कर दिया हल्का सा, थोड़ा सा मैंने ब्रॉड किया, देखो इतना हो सकता है, एक को पकड़ लो, इस जगह को पकड़ लो, ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अभी इसके बगल में जो थिकनेस है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट एंड एच फोर के बाद फाइव प्रेस करते हैं, सरफेस आ गया यहाँ पे, इस वाला एजिस को मुझे यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, ये एजिस पूरा सेलेक्ट हो गया, एजिस को सेलेक्ट करने के लिए क्या है, डबल क्लिक किया, स्विफ्ट एंड बेवल एजिस, अभी बेवल एजिस में क्या, देखो ये बेवल एजिस दिख रहे हैं अभी, तो कॉर्नर पॉइंट एक एजिस को दो एजिस में कन्वर्ट कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया, ठीक है, इतना कर दिया मैंने यहाँ पे, इतना मुझे ठीक लग रहा है बाई डिफॉल्ट, ठीक है। इसका तो मुझे यहाँ पर जो है ये पतला अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया और इसको डिलीट करना है, शिफ्ट एंड डिलीट एजेस, डिलीट हो गया, ये देखो अभी ये शेप आ गया, ये शेप है मेरे पास, हमें देखो इसमें इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है, ये आपको शेप समझना, देखो ये अंदर की तरफ ऐसे पतला होता जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट एजेस, ये शेप आपका आ गया। तो अभी ये बना बनाया शेप था,
फिर से बनाते टाइम लगता, बेसिक ज्योमेट्री में आपको समझना है, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन एच, अभी आपको याद हो गया होगा यहाँ पे देखो दो चीज़ हमने बना ली यहाँ पे। अभी देखो ये भी यही पार्ट है, देख रहे हैं हमें, अभी ये जो पार्ट है मुझे इसी से निकालना है, ये एक ही चीज़ से दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसको मैंने पकड़ा, इसी में से ये निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसी में से ये चीज़ निकालेंगे कैसे, राइट क्लिक एंड फेसेस। अभी इसको मैं यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट हुआ परस्पेक्टिव में जाके देखो ये सेलेक्ट हुआ ना, मुझे यहाँ से डिसलेक्ट करना है, या सेलेक्ट करने का तरीका यहाँ से भी है, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट में गया तो मैंने ऐसा सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डब्लू शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया मैंने, देखो एक्सट्रूड दिख रहा है यहाँ पे। अभी एक एक्सट्रूड मैंने यहाँ पे किया, सीधे यहाँ तक लेकर आते हैं, है ना, लेके आ सकते हैं। अभी मैं इसमें एजेस डालना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे किया फोर प्रेस कर दिया, फोर से यहाँ पे देखें शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट एज लुक टूल, एजेस डालने का ऑप्शन यहाँ पे देखो, एजेस है मेरे पास यहाँ पे, एक एजेस डाला। अभी एजेस डाला तो डाला क्यों, आर फोर स्केल, स्केल कर दो, इसलिए डाला हमने एजेस, है ना। उसके बाद फिर क्या किया, फिर से एक एजेस ले लेते हैं। कभी कभी आपको लगे कि ये ग्रिड डिस्टर्ब कर रहा है, आप ग्रिड को भी ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, ये ग्रिड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से मैंने किया सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, फिर से मैंने एक एजेस दिया यहाँ पे, ठीक है। आर फोर स्केल, इसमें देखो एक एक्सिस से स्केल करें, स्केल के भी तरीके बहुत हैं, देखो यहाँ पे फोर एंड फाइव देखो। अभी ये रेड को बढ़ के स्केल किया तो एक एक्सिस पे स्केल हो रहा है, तो ऐसे ही करना है, ये ऐसे मत कर देना, ये इसे बोलते हैं यूनिवर्सल स्केल, इसे बोलते हैं वन साइडेड स्केल, ठीक है। फ्रंट में गए, पहले मुझे यहाँ पे क्या किया, फोर प्रेस किया, एक साइडेड में यहाँ पे मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ तक किया, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे, ये परस्पेक्टिव में तो एक साइड को पकड़ो, बाकी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपने कर रखा है, यहाँ आपका पार्ट आ गया यहाँ पे। इसके अंदर देखो ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, मैंने क्या किया, एजेस और दे देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज क्लिप टूल, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। ये अंदर रहने के लिए यहाँ पे मैंने किया आर फोर स्केल, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखने पर, ये ऐसा पॉइंटेड है, इसके ऊपर जो बनाना है देखो, ये डबल क्लिक किया यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर लेके गया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक जो शेप है मेरे पास यहाँ पे, वो बेसिक शेप में ऐसा दूंगा, ये बीच की जो लाइनें हैं ना, ये मॉडल नहीं करेंगे, ठीक है। तरीका ये भी, अगर आपको लगे देखो, ये भी मैंने एक चीज़ को बता रखा है यहाँ पे। अभी देखो एक मेथड ये भी है, ये देखो ये मैंने तलवार बना के रखा है, अभी मुझे इसमें ऐसा बनाना है तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, देखा। एक टेक्निक ये भी है, आप यहाँ पे काम करते हो ऑल्ट टच, देखो यहाँ पे अभी क्या है, दिखा ये जो आपने पार्ट दिया ऐसे दिया, अभी मुझे ये टेक्निक अगर बनाना है तो मैं एजेस में ऐसे भी करके बना सकता हूँ। तो ये रेफरेंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस एजेस को मुझे यहाँ से लेके जाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला काम इसको मैंने देखो यहाँ पे सीधे नीचे ले गया था, ये नीचे। अभी मैं थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे इस चीज़ को बनाना है तो मैं यहाँ पे रेफरेंस को थोड़ा सा इसके साथ में अरेंज करता था, रेफरेंस को मैंने लिया और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखना यहाँ पे ये मैं इसको इधर से ये देखो देखा थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया राइट क्लिक एंड वर्टेक्स। तो इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो नीचे मैं इसको यहाँ से मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे लगता है कि रेफरेंस मुझे थोड़ा सा हिलाना है, मैनेज करना है, तो मैनेज कर सकते हो, देखना यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, देन आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा बहुत ऐसे भी मैनेज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कभी लगे ये मुझे ऊपर से मैनेज करना है, नीचे लेके आना है, इंसर्ट बटन प्रेस कर दिया, जो डिलीट के ऊपर जो बटन होता है इंसर्ट, उसको मैंने प्रेस किया, मैं यहाँ पे ले आया, मैं अपना पाइवट भी चेंज कर सकता हूँ, वापस मुझे इंसर्ट बटन फिर से प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखें आप ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब मैंने अगर इसे ऐसे मैनेज कर दिया, देखो देख रहे हैं आप, वापस मैंने लॉक कर दिया, तो लॉक करने में देखो ये पार्ट दिख रहा है। अभी जब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे क्या, देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे दोनों का पार्ट, ठीक है भाई, ये दोनों पार्ट मैंने यहाँ से ये ऐसे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों पार्ट है मेरे पास यहाँ पे ऐसे कर दिया, देखो यहाँ से मुझे क्या मैनेज कर, मैं एक साइड को पकड़ लूँगा, सिंपल से एक पार्ट एक साइड को पकड़ूँ, जैसे देखना यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक किया आर फोर स्केल, ठीक है। यहाँ से मैंने पकड़ा इसे तो ये आर फोर स्केल। अभी ये जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे जो दिया इसको मैंने यहाँ तक किया, इसमें मॉडलिंग में आपको बड़ा ध्यान देखो, ये देखो ये एजेस मैंने यहाँ पे दिया, इसके साथ जो मैंने ये एजेस जो दिया है, इस एजेस को मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे दूंगा, ठीक है।
अब देखो ये जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, दोनों पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, दोनों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब इस पॉइंट को मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा, 4 और 5 यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट को मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ देख रहे हैं ठीक है, ये जैसे निकल रखा है यहाँ पे, तो मुझे इस वाले पॉइंट को मुझे ऐसे करके यहाँ पे ऐड ऑन करके निकालना पड़ेगा। और निकाल गया तो मैं इसको अंदर लेके जाऊँ, क्योंकि मैं साइड व्यू नहीं है, ठीक है, या तो इसको अंदर लेके जाऊँ तो भी मेरे पास काम हो जाएगा, इसको पकड़ के ले जाऊँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके हैं इन चीज़ों को मैनेज करने के, ठीक है भाई। ये पॉइंट आपका ये अंदर ले गया और ये नीचे सीधे खींच के ले गया है, तो ये नीचे खींच के अगर मैं लेके जाऊँ, मेरे पास यहाँ पे 2 एजेस के साथ अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रंट में गए 4 प्रेस कर दिया, इसकी अगर मैं कहूँ तो इसको मैं यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे मैनेज किया ना, ये देखो ये सीधा यहाँ पे काम आपका कर जाएगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखो, मॉडल बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आपको समझना है, देखना है भाई। ये हमने सेट कर दिया, हमारा काम खत्म, इसी से काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स दिया, जैसे यहाँ पे गेमिंग में हमने जो बना रखा है यहाँ पे मॉडल, देखो दे रखा है ये सिंपल सा पार्ट, ये प्रॉपर चीज़ों का ऐसे दे रखा है, देखिए कॉर्नर पर दोनों को कैसे कर रखा है, एक एजेस को बेवल कर रखा है, तो ये भी देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे ये कर रखा है ना, यहाँ पे इनके कॉर्नर को थोड़ा सा और बेटर करना है, तो कॉर्नर को बेटर करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, सबको डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड बेवल कर दें यहाँ पे, बेवल किया, ठीक है। सेगमेंट्स को नहीं रहते फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, इसको इतना पार्ट देगा, ठीक है। अभी इन चीज़ों का यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या होगा, इनको हमने क्या कर दिया, एजेस को पकड़ के शिफ्ट एंड मर्ज टू सेंटर, एजेस पे गए मर्ज टू सेंटर, एजेस पे गए मर्ज टू सेंटर, एक एजेस को पकड़ो सेफ प्रेस करो, कैप्स ऑफ सेफ प्रेस करो, राइट क्लिक मर्ज मर्ज टू सेंटर, ये भी आप काम कर सकते हो, देखें यहाँ पे कॉर्नर पे आपको यहाँ पे ऐसा भी आ गया, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। तो अभी ये देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे हुआ, ये पार्ट आपका यहाँ पे हुआ, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं गया फ्रंट पे, फ्रंट पे गया 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो ये इधर है ये इधर है, सब कुछ बहुत ही प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे अगर रेफरेंस में प्रॉपर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा मैं अरेंज भी करके लूँगा, तो भाई देखो ये इसके लिए ये दिखता, इसके लिए अगर मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस को मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे रेफरेंस का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये देखो ये देखना अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, इस वाले पार्ट के लिए सही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया सेफ राइट क्लिक इंसर्ट राइट क्लिक टूल, एक एजेस मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, एक एजेस मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, फेसेस दोनों फेसेस को सिलेक्ट कर दें आप, देखो पीछे तो नहीं है, नहीं है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया आपने यहाँ पे, एक्सट्रूड में लोकल जेट पे कर दें यहाँ पे, फ्रंट में गए आ रहे हैं यहाँ पे। अभी इसके अंदर एक टेक्निक और बताता हूँ, देखो ये जो हम लोग एक्सट्रूड करते हैं ये प्रोडक्शन में काम होता है, गेमिंग में काम करने के लिए आपको थोड़ा सा टिल्टेड करना, देखो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, देखो ये मैंने फ्रंट किया जैसे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे डिफरेंसेस नजर आ रहा है, ऊपर नीचे 2 एजेस है ना, तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे इस चीज़ को मुझे अगर यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे एक मैंने और लिया, फेसेस सेलेक्ट करता हूँ 1 और 2 फेसेस, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में जब मैं लोकल करना, ठीक है ऐसा आ गया। अब इसके बाद मैं अगर इसे ऐसे प्रेस कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, देखो पीछे वाले एजेस भी नजर आ रही हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे करता तो मेरा काम हो जाता, मैंने इसको अभी ऐसे नहीं किया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 और 2, देखो सिलेक्शन था, फ्रंट में गए आर फॉर स्केल और मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को हम लोग ऐसे फुलफिल करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने सेप देखा, सेप को मैंने बताया भाई मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रखा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ सेप्स ऐसे हैं जैसे इनको मुझे बनाना है, ठीक है, कुछ चीज़ को बनाना, देखो इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे बहुत ही कम पॉलीगन यूज़ किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही कम पॉलीगन यूज़ किया यहाँ पे। अभी देखो अगर आप इसे काउंटेड भी करो तो काउंटेड में देखो ऐसा है, अभी मैं इन चीज़ को जब मैं बनाने बैठूंगा ना तो मैं आपको बिल्कुल काउंटेड नहीं करूँगा, कम से कम पॉलीगन में देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये ऐसे पॉलीगन है, तो मैं ऐसे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहला काम मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये बेसिक शेप बना देना है यहाँ पे, एक शेप दूसरा शेप, ठीक है, कितनी चीज़ों को मैं बना सकता हूँ और कितने कम से कम सेगमेंट में मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो ये तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसे अलग हटके देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स ले सकते हो, सिंपल पॉलीक्यूब बॉक्स लिया, बॉक्स का यहाँ पे इसको यहाँ पे लिया, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को लेता हूँ, जैसे मैंने क्या आर फॉर स्केल, स्केल किया मैंने यहाँ पे है ना, अभी स्केल करता हूँ तो मुझे यहाँ तक चाहिए,
अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे के राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, इसको मैंने पकड़ लिया इधर इधर। अभी देखो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझना यहाँ पे बेसिक इधर का सही है। अभी क्या करते हैं, बाकी व्यू को पकड़ते हैं, बाकी व्यू में आपका टॉप व्यू आता है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फ्रंट व्यू, ये मेरा टॉप व्यू, इसको मैंने सेलेक्ट किया इधर का पार्ट, ये पार्ट नज़र आ रहा है, इसको खींच के इधर ले आओ। अभी ये पीछे से दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरा जो बॉक्स है वो रेफरेंस के चिपक गया। तो मैंने ऑब्जेक्ट पे गया, राइट क्लिक इन ऑब्जेक्ट मोड, और इसको मैंने बाहर कर दिया। यहाँ पर बहुत बड़ा बॉक्स है यहाँ पे, है ना। अभी देखो अभी दिखेगा, यहाँ पे दिखना स्टार्ट। अभी इसी के साथ अगर मैं कहूँ भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्टेक्स पे देखो, देखते हैं अभी ये वर्टेक्स है, इसको उठा के सीधे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। मैंने कहा एक काम करते हैं, सिंपल सा स्पेस बार पकड़ते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ओके। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे यहाँ पे पॉइंट मैंने दिया, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। अरे अभी यहाँ से मैं चाहूँगा, मैं चाहते ना चाहते मुझे एक पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पीछे वाले पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूँ, जैसे मेरे पीछे वाला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं अभी, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने कहा भाई तू ऊपर आ जा। देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सेफ नज़र अलग आ रहा है, तो हमने बहुत बचाया है, लेकिन बचाने के साथ मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट की नीड है। सेगमेंट देना मैंने बताया, सेगमेंट कैसे देते हैं, सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लेफ्ट टूल, ठीक है। जो मैंने एजेस दिया यहाँ दे सकता हूँ आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ के वर्टेक्स को पकड़ दूँ, कौन से वर्टेक्स को पकड़ूँ, इस वाले वर्टेक्स को मैंने पकड़ा, पीछे वाला, ये क्यों पकड़ा, जैसे ये पार्ट बाहर निकाला है ना यहाँ, इसीलिए इस वाले पार्ट को पकड़ा मैंने, तो इसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा भाई ये यहाँ पर आ जाओ। देखो अभी यहाँ पे मैंने काम किया, इस वाले पॉइंट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये दोनों पॉइंट में जाओ जोड़ दो, तो मर्ज टू सेंटर पॉइंटेड हुआ, ये पॉइंटेड को मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पर। अभी देखो बहुत ही तरीके से आपका काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक्सपर्ट मोड बोलते हैं, स्पेस बार मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ एक बार, दिख रहा है अभी ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ तक रख दिया, आइडिया मिल रहा है। अभी ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पे एक शेप मुझे चाहिए, ठीक है। अभी देखो धीमे धीमे शेप आ रहा है आपका यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, पीछे से मैं कोई शेप नहीं चाहिए, आगे की शेप मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस वर्टेक्स को पकड़ के शिफ्ट एंड सैम्फर वर्टेक्स कर दिया यहाँ पे, क्या किया, शिफ्ट एंड सैम्फर वर्टेक्स, यहाँ सेलेक्ट किया शिफ्ट एंड सैम्फर वर्टेक्स। देखो यहाँ से देख रहे हैं आपके यहाँ पे ऐसा। दूसरी चीज़, मुझे पीछे से क्या हॉलो रखना है, अभी मैं डुप्लीकेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा ना, तो पीछे वाले फेसेस को कर दो डिलीट, ठीक है। यहाँ पर आ गए कंट्रोल शिफ्ट एंड, यहाँ देखो अभी यहाँ से मैंने क्या किया, वर्टेक्स को लिया और शिफ्ट एंड सैम्फर वर्टेक्स कर दिया, देख रहे हैं आप, सैम्फर वर्टेक्स में विड्थ है ये आपने इतना कर दिया, इतने पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। फेसेस सेलेक्ट करो और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दें, यहाँ पे एक्सट्रूड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर इधर से ले लो, ऊपर ले लो, इधर ले लो, इसको जोड़ना है, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज टू सेंटर आ गया यहाँ पे। इस वर्टेक्स को पकड़ा डब्लू और मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने पकड़ लिया, ये पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा, देखो यहाँ पे आ रहा है लुक एंड फील। अब पीछे वाला पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये जो हमने किया ये इसके साथ जोड़, देखो इस लाइन में होना चाहिए, तो ये इस लाइन में रखोगे आप, इससे सबको सेलेक्ट कर दो और आर फो स्केल कर दो, तो ये एक साथ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच राइट क्लिक एंड फेसेस डिलीट कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काम कर दूँगा, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड मैंने कर दिया, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे देखो धीमे धीमे बन रहा है यहाँ पे। अभी ये शॉर्ट वाला पार्ट है, अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये आप धीमे धीमे चीज़ को देखो ना यहाँ पे, ये जो पॉइंटेड है देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे फ्रंट में जाकर देखो तो आप पॉइंट है, फ्रंट एंड साइड में जाकर देखो, साइड में देखो कैसे ये इधर से पॉइंटेड ऐसा आ रहा है हमारा, हम लोग इसको देखें यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो आ रहा है गैपिंग, तो कम है गैपिंग, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे जो गैप है वो तो मैं इसको तो मैं गैप दूंगा इतना, जो देखने में ठीक लगे, बहुत ज़्यादा थिकनेस
बहुत बेटर है, आप आ रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे करके काम कर सकते हो। अभी इसके सिवाय अगर मैं यहाँ पे कॉल लगा, मैंने चीज़ों को दिया यहाँ पे फेसेस, मेरे पास यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा देखिए ये फेसेस है, आप इसे चाहो तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ऐसे एक एक्सट्रूड और दूसरे एक्सट्रूड में काम खत्म कर सकते हो। आप वर्टेक्स पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया इसको मैंने यहाँ पे पीछे सेट कर दिया था। अभी होना क्या, देखो यहाँ पे कर्व आना चाहिए, कर्व नहीं आ रहा तो मैंने एक एजिस दी यहाँ पे। एक एजिस देने का तरीका एक और बताता हूँ, कंट्रोल प्रेस किया ठीक है, यहाँ पे रिंग एंड यूटिलिटीज और रिंग एंड स्प्लिट, एक बार में नहीं आता फिर से देखेंगे यहाँ पे, तो कंट्रोल प्रेस कर दिया एज रिंग यूटिलिटीज और एज रिंग एंड स्प्लिट ठीक है। वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, आ रहे हैं यहाँ पे। अभी आप इन चीज़ों को अगर आप मैनेज करोगे देखो, तो ये जो पार्ट आपका देखेगा आप यहाँ पे कर्व कैसे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे यहीं पे आपने देखो एक और एजिस देने का तरीका बताया मैंने आपको, स्विफ्ट इंसर्ट एज लुक टूल, सेम चीज़ मैं यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इसी के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने ये एजिस लिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो परस्पेक्टिव में जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेना 4 और 5, यहाँ देखो आ रहे हैं यहाँ पे। सेम चीज़ मैं यहाँ पे फिर से मैं बेवल कर सकता हूँ, बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना, ये काम हो सकता है। या मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, 4 प्रेस कर दिया, स्विफ्ट एंड सेंट्रल वर्टेक्स ठीक है, 4 और 5। एक चीज़ और ध्यान दो, ऑल्ट एज, इसके पीछे फेसेस नहीं चाहिए था मुझे, अंडू करो आप यहाँ पे, फेसेस होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसके फेसेस मुझे 1, 2, 3 और 4, क्योंकि मैंने जब एक्सट्रूड किया वो ये ऐसे नीचे बॉक्स में था तो वो उसके साथ में आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं वर्टेक्स पे जाता हूँ, वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया, फ्रंट में गए यहाँ पे ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, ये देखो आप शिफ्ट एंड सेंट्रल वर्टेक्स, ये हो गया, ये देखो दोनों कॉर्नर पॉइंट आपके यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। अभी इस वाले पॉइंट को मुझे यहाँ पे जोड़ना है, देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देखो, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आप जोड़ना तो जोड़ सकते हो, जैसे देखो ये मुझे यहाँ पे जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे कैसे जोड़ा, 5 पे गए, इसको W प्रेस कर दिया ठीक है, V और स्नैप, V और मिडिल माउस बटन, एक स्टेटस लाइन में भी आप पाते हैं यहाँ पे ठीक है। वर्टेक्स इसको पकड़ो, इसको मैंने उठा के यहाँ पे देखो आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे करके वर्टेक्स टू वर्टेक्स आप स्नैप कर सकते हो, देखा देखो ये स्नैप हो गया यहाँ पर, 4 प्रेस कर दिया, दोनों को जोड़ देना है मर्ज टू सेंटर। फेसिस पे गए, फ्रंट में गए यहाँ पे, स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे स्नैप है ना, स्नैप ऑफ कर देना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, पॉइंट इट आ गया यहाँ पे, टॉप पे गए, ये इधर ही है, ये कॉर्नर पे ये लाइन मैच होना चाहिए, मतलब ये पार्ट मैंने यहाँ पे जो किया ये एक साथ आपके यहाँ पे मैनेज होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, W प्रेस करते ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने इधर मैंने मैनेज कर दिया ठीक है, 4 और 5 अभी कहाँ पे आ रहा है, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का आप यहाँ पे अगर समझोगे आपके पास काम आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक मैंने काम कर दिया, अभी मैं यहाँ पे गया ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने कहा भाई मुझे ये पार्ट मुझे यहाँ तक चाहिए, ये पार्ट मैंने यहाँ तक दिया ठीक है आगे। अभी इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया, मैं नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट किया, फ्रंट में गए और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। अभी ये एक्सट्रूड कर दिया था मैंने यहाँ पे, वर्टेक्स लिया इसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे, है पॉसिबल आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखो इसमें मैंने सेगमेंट ज़्यादा ले रखे, अब इसको भी मैं कम कर सकता हूँ, कम कैसे कर सकता हूँ देखो, अभी ये जो गेमिंग के अंदर है ना, गेमिंग के अंदर हमें सेगमेंट्स को सोच समझ के देना होता है। तो देखो ये पार्ट में इसको भी मैं चाहूँ तो इसको देखो तरीका बता देता हूँ, 4 और 5 ऑल टच यहाँ देखो, अभी इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन सिर्फ राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, तो ऐसे मर्ज हो गया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐसे नहीं काम करना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्टेक्स को लिया मैंने, दिस वन मर्ज टू सेंटर, सेगमेंट कम हुआ कि नहीं, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे अगर मैं देखो मैंने अंडू किया और यहाँ से देखो यहाँ पे बस कितना है फेसेस, मैंने अभी यहाँ पे देखो फेसेस देखो 29 दिख रहे हैं ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर कम हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड मर्ज टू सेंटर 28 हो गए। तो ऐसे करके भी मैं काम को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इधर तो ठीक है, इधर तो मुझे चाहिए नहीं, सेगमेंट का रोल ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं क्या। तो ये एक पार्ट है,
देखो फ्रंट में गए कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी इस फाइल में मैंने बताया है, इसमें साइड वाला पार्ट भी है इसलिए मैं साइड वाला पार्ट में देखो देख रहे हैं भाई। देखो ये पार्ट को मैंने यहाँ से सीधे ऊपर ले गए, यहाँ से बीच में कोई सेगमेंट की कनेक्टिविटी नहीं दी है, देखो आ रहे हैं भाई। तो ये सेगमेंट की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो भी आपका काम हो जाएगा, इतने से आपका देखो यहाँ पे सिर्फ इतने में ही यहाँ पे काम एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। तो बहुत सोच समझ के जैसे पैसे खर्च करते हैं ना, वैसे बहुत सोच समझ के मैं पॉलीगन खर्च करना है तो होता है गेमिंग। जैसे अगर आपको दिखाऊँ शिफ्ट एंड राइट क्लिक सेपरेट पे कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ऑल्ट एंड एच, ये देखो ये पार्ट देखना है पे, ये जो तीन पार्ट है इसको उठा के सीधे यहीं तक रखा है, देखें यहाँ पे बीच में एक भी सेगमेंट ही नहीं रही है यहाँ पर, आइडिया मिल रहा है, वो यहाँ तक हमें मैनेज कर दिया। अब देखो इसी को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ फ्रंट में गए फोर प्रेस कर दिया यहाँ पे, अब देखो इन सारे पार्ट को कहाँ लेके गए कि यहाँ तक। अभी इसी भी चीज़ को अगर मैं आप देखो ये बना के अगर मैं बनाता हूँ भाई मुझे ऐसा कुछ बनाना है तो मैं कैसे, पहले बना लो फिर करते हैं, ठीक है। मैं फॉर ए टाइमिंग अंडू करता हूँ क्योंकि ये जो होता है ना ये सब काम होता है, पहले काम हो जाए। मैं देखो मैंने मर्ज नहीं किया, वापस मैंने अंडू कर दिया, ठीक है। फोर एंड फाइव कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, फ्रंट में गए फोर प्रेस कर दिया, देखो बेसिक पहले बना लेते हैं। बेसिक बनाने का मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आकर मैंने क्या काम किया, ये यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये मैंने पार्ट यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी ये चीज़ को मुझे बनाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखो अभी यहाँ से मैं करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट एंड इंसर्ट एज लूप टूल, एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सेगमेंट दिया यहाँ पे, ये सेगमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेगमेंट यहाँ पे है तो मैं इसको पहले ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी यहाँ से जो मैं चीज़ों को बना रहा हूँ तो इतने पार्ट को मैं सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये जो इतना पार्ट है ना 1 2 3 4 यहाँ पे, इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देना यहाँ पे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है, इस शेप को मैं ऊपर से बना दूंगा, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड किया लोकल जेड, तो बेसिक एक्सट्रूड वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे 4 एंड 5 देख रहे हैं भाई, ये आपका पार्ट यहाँ पे आ गया। अब इसको मैनेज कर देंगे, जब सीखने का तरीका तो आपको मैं थोड़ा सा बढ़िया से सिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली लाइन है 4 एंड 5 ये स्टेट ही रहना है, 1 2 3 4 जैसे हम लोग वो लाइन को स्केल कर ले रहे थे ना, वैसे इस लाइन को मुझे स्केल करके रखना है। देखा अभी ये देखना, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को 1 2 3 एंड 4 और फ्रंट में गए आर फॉर स्केल, तो स्केल कर दिया तो एक लाइन हो गई मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। फोर प्रेस करो, देखो ये एक लाइन हम यहाँ पे कर देंगे, एक लाइन मेरे पास यहाँ पे होगी, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ से मैं चीज़ों को देखूँ 4 5 यहाँ पे, तो ये इस वाले जिसको पकड़ो यहाँ पे, ये जो ये है मुझे डेप्थ दिखाना है, जैसे मैंने ये डेप्थ दिखाया ना वैसे ये डेप्थ दिखाना है। 1 2 3 एंड 4 फ्रंट में गए फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखा अभी यहाँ पे मैं डेप्थ दिखाऊँ तो ये तो सही जगह पे, अंदर वाले एजेस को मुझे पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 2 3 एंड 4 फ्रंट में गए फोर प्रेस कर दो आप यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक मैं मैनुअल कर सकता हूँ, आ रहे यहाँ पे मैनुअल किया मैंने यहाँ पे कट, यहाँ पे नजर आया तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पर यहाँ पे, अब ये पार्ट मुझे थोड़ा सा पीछे लेके चलना है तो पीछे लेके चलूँगा, यहाँ से जो पार्ट मैंने दिया यहाँ पे ये पीछे की तरफ जाने वाला है, आएगा, ठीक है। ऐसे करके मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया, अभी क्या करना है, ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर भी निकला हुआ है तो रिंग एंड स्प्लिट पूरा एजिज आ रहा है। अभी यहाँ पर शॉर्टकट में दो ही एजिज चाहिए क्या, देखो 4 एंड 5 यहाँ पे दो एजिस ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेफ राइट क्लिक मल्टी कट है। मल्टी कट में क्या होता है, ये मैंने एक क्लिक किया, ये मैंने दूसरा क्लिक किया यहाँ पे, देन एंटर, वो एजिस मेरे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे फ्रंट में गए फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन इसको आप देखो यहाँ पे आप यहाँ पे करोगे यहाँ पे, देख रहे ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसके हाथ में यहाँ पे थोड़ा सा वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, फिर प्लस में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, 4 एंड 5 यहाँ पे एजिस को पकड़ लो, ये एजिस और ये एजिस, फ्रंट में गए फोर प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये जो पार्ट दिखे अभी ये काइंड ऑफ ये पार्ट आपको यहाँ पे देखे यहाँ पे, ठीक है। धीमे धीमे चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें तो और बेटर वे में दिखेंगे यहाँ पे, भाई मैं आप शेप को हमने मैच कर दिया। अभी मैं बनाने का तरीका तो मैं आ गया, अभी सेगमेंट कम करना है यहाँ पे, सेगमेंट कम करने कैसे करना है। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा चाहिए ही नहीं, तो देखो मॉडलिंग बड़ा सोच समझ के करना है। आप यहाँ पे किया, अभी देखो यहाँ पे मुझे एजेस की कनेक्टिविटी चाहिए, देखो ये एजेस दिख रहा है भाई, ये एजेस यहाँ पे जा रहा है, मुझे एजेस नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया, मुझे मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे, ये एजेस मैंने उठा के यहाँ लगा दिया यहाँ पे। हम लोग जब गेमिंग करते हैं तो गेमिंग के अंदर ट्रायंगल दे सकते हैं,
ट्रायंगल क्या होता है समझो, ये एक फेसेस है, फेसेस में तीन एजेस हैं, 1 2 3, ये ट्रायंगल है, ये पॉलीगन है, यहाँ पे क्वाड बोलते हैं, 1 2 3 एंड 4, फोर एजेस हैं तो क्वाड, तीन एजेस हैं तो ट्रायंगल। ये पार्ट मैं यहाँ पे कर लूँगा और चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे से यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रंट में गए, कंट्रोल शिफ्ट ने, यहाँ पे देखें, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे इस पर प्रोस्पेक्टिव में जाके इसे काम करो। यहाँ पे अभी यहाँ से मैंने क्या किया, अभी इसको अगर देखो तरीके बहुत हैं, ये एजेस को मैं यहाँ पे अगर मैं डिलीट कर दूँ तो भी काम हो जाएगा, 1 2, डिलीट कर दूँ तो काम होगा, डिलीट किया मैंने यहाँ पे, अभी डिलीट कर दिया, डिलीट करने से इसके वर्टेक्स रह जाते हैं, तो डिलीट करने का एक और तरीका बताता हूँ, एजेस पे गए, शिफ्ट प्रेस करो, डिलीट एजेस, अब वर्टेक्स नहीं रहेंगे। फिर से देखो, एजेस पे गए, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से देखो शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ पे डिलीट हो गया, तो शिफ्ट एंड डिलीट में वर्टेक्स चला गया। देखो यहाँ पे एक वर्टेक्स है छूटा हुआ है, मैंने सेलेक्ट और डिलीट वर्टेक्स कर दिया। अभी यहाँ पे कभी अगर ऐसा हो जाए डिलीट नहीं हो रहा, तो एक बार देखना है आप लोगों को, पीछे का फेसेस अलग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास पीछे का फेसेस एक डबल क्रिएट हो गया है, देखा देखना अभी ये अनवांटेड जो फेसेस आ गए हैं उनको हमें डिलीट कर ही देना है, ये ध्यान देना है। अभी देखो वर्टेक्स, देखो ये अनवांटेड जो वर्टेक्स है इसे डिलीट कर दो तो डिलीट हो जाएंगे। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, यहाँ पे मैंने कर दिया, मल्टी गेट पे गए, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और मैंने कहा भाई मुझे यहाँ से कर देना, तो काम करता हूँ, 1 2 3 4 हो जाएगा काम, ठीक है। अभी देखो ये एजेस मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, फिर से एजेस को डिलीट कर दें, 1 2 शिफ्ट एंड डिलीट एजेस, ठीक है, मल्टी पे गए, मल्टी कट, यहाँ से मैंने इसको यहाँ दे दिया तो काम खत्म, इसको मैंने यहाँ से दिया तो भी काम खत्म, ये भी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, हम पीछे तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़े यहाँ पे, देखो आ रहे हैं यहाँ पे, तीन तरीके हैं। अब देखो यहाँ पे, अभी मुझे अपने मॉडल के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या देखना है, जो मैंने मॉडल किया उस मॉडल में जितने भी हों, देखो एक तो रेफरेंस देखो आप यहाँ पे, तो ये पार्ट यहाँ, अब ये पार्ट मुझे यहाँ से कनेक्टेड नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एजेस पकड़ के मर्ज टू सेंटर कर दूँ, कम हो गया लेकिन, ठीक है, यहाँ से मुझे वर्टेक्स पकड़ के करना पड़ेगा, वी एंड स्नैप, वी बटन होता है कीबोर्ड एंड मिडिल माउस बटन से आप इसे ऐसे भी स्नैप कर सकते हो, एक यहाँ से स्नैप करना यहाँ से करो, यहाँ से करना ऐसे करता हूँ, फोर प्रेस करो, मर्ज टू सेंटर, अरे आपके स्नैप है, तो अभी चीज़ों का पैसे मैनेज करो तो आपका आइडिया मिल जाएगा, तो शेप आपका बन रहा है यहाँ पे, चीज़ों का कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो छोटे छोटे पॉइंट ये निकले हुए हैं, ठीक है, देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने काम किया, कंट्रोल शिफ्ट है ना, अच्छे देखो फ्रंट पे गए, फोर प्रेस कर दिया, फोर में आपका ऐसा कुछ पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ये ऊपर वाला पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अभी इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे अगर डुप्लीकेट करके लगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को एक बार देखाऊँ, देखो यहाँ पर मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, ये मॉडल अपना यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो सिंपल सा पार्ट, अगर मैं यहाँ पर दूँ पॉलीक्यूब दिया यहाँ पर गए, ठीक है, समझना कैसे होगा, यहाँ पर पॉली क्यूब पे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, बस चार पॉइंट में चाहिए है ना, तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, फोर ऑल टच, फोर के बाद फाइव प्रेस करो ताकि आपको आइडिया मिले, फेसेस एंड मर्ज टू सेंटर आ जाएगा, क्या आया, आप ऐसे भी काम कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, फ्रंट में गए, फोर प्रेस कर दिया, देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, इसको सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, आर फॉर स्केल। अब ये थोड़ा सा साइड से भी देखेंगे, यहाँ पे साइड में कहाँ जा रहा है, साइड में ये यहाँ जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाहर निकाल दे, इमेज से बाहर निकाल दो, फोर प्रेस करो। अब ये क्या, इधर से पतला है, सबसे पहला काम इसको पहले रोटेशन देखो, यहाँ पे रोटेशन दिख रहा है, ये रोटेशन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अगर देखो चैनल बॉक्स मिलेगा, चैनल बॉक्स से एक बार रोटेशन कन्फर्म कर लेना, कितना रोटेशन दिया, ये रोटेशन दिया -45 कर देना तो एग्जैक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, आर फॉर स्केल। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने तो उसे सेट किया भाई, मुझे यहाँ पे ये चीज़ ऐसा चाहिए तो मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हल्का सा मैंने स्केल कर दिया, देखो स्केल कैसे जा रहा है यहाँ पे, अभी स्केलिंग में मुझे कैसे देखना है, देखो यहाँ पे स्केलिंग कैसे दिख रहा है कि मुझे चीज़ों को तो समझ जाए मैनेज करना है, तो स्केलिंग में अगर मैं ऐसे स्केल करूँ तो खराब हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर वर्टेक्स पकड़ के स्केल करना पड़ेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ के स्केल कर सकते हो, या आपने यहाँ पे इसको
इधर इतना कर लो, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। अभी ये एग्जैक्ट इतना ही हो ये नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इतना फेसेस को कर दिया डिलीट, इतना एग्जैक्ट है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया। अभी देखो एक और आपको टूल बताता हूँ, 4-5 F फॉर फोकस, देखो यहाँ पे। अभी इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिरर, मिरर का ऑप्शन बॉक्स में जाओ, यहाँ देखो यहाँ पे क्या एक्स है, ये जो एक्सिस है ना रेड कलर, वो एक्स होता है, अप्लाई करो, अप्लाई करने में तो कोई ऐसा आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको माइनस एंड प्लस चेंज करो, माइनस ऐसा आ रहा है, ठीक है, थ्रेश होल्ड पे कुछ काम हो रहा है, नहीं ये ऐसा कुछ काम हो रहा है, नहीं, ठीक है, ऑफसेट देखो, ऑफसेट में ये ऐसे जा रहा है, देखना आप ये ऐसे ऐसा आया, ठीक है, ये देखें मर्ज थ्रेशोल्ड, ये देखो मर्ज थ्रेशोल्ड इतना, देखो मर्ज थ्रेशोल्ड इतना किया, ऑफसेट आप यहाँ पे चूको मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑफसेट आ रहा है यहाँ पे समझ में। फ्रंट में गए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे गए कंट्रोल शिफ्ट एन एच, इमेजेस दिख जाएगा यहाँ पे, फोर प्रेस कर लो आप यहाँ पे, ऑफसेट पे देखो, ऑफसेट पे देखें ये इतना पार्ट मैंने यहाँ तक किया, देखो यहाँ से कितना तक जाएगा, ये इतना पार्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन है उसके, ठीक है, मर्ज थ्रेशोल्ड कम कर देते हैं, और छोटे छोटे ऑप्शन है देखो आप, ऑफसेट देखो आप, ये ऑफसेट है, अभी यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, अब मर्ज थ्रेशोल्ड बढ़ाओ, ओके, तो ये थोड़ा प्ले करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्ले करने वाली चीज़ है, 4 and 5, ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत इधर से पॉइंटेड रखेंगे यहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है, ये पार्ट कर दिया। अब इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी ही लगानी है आपको यहाँ पे, फोर प्रेस कर दिया, देखो यहाँ पे अभी इसी के साथ अगर मैं कहूँ, देखो मुझे देखो अभी हमने क्या बनाया, ऊपर वाला पार्ट बन गया, ये जो है इसको मैं अगर यहाँ पे कर दूँ कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको मैंने यहाँ उठा के लगा दिया, यहाँ से राइट साइड में जाओ, देखो कॉपी यहाँ पे, ये आपको बाहर निकाल देना है, फ्रंट पे गए, ठीक है, अभी आप इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, आरफो स्केल, ठीक है, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो, कभी ये धीमे धीमे पॉइंट्स आप यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, ये देखो एडिट में देखोगे आप यहाँ पे कंट्रोल डी, यहाँ पे क्या डुप्लीकेट फिट ट्रांसफॉर्म, तो जो मैंने डुप्लीकेट किया जितना मैंने मूव किया वो ट्रांसफॉर्म के साथ आ जाएगा, तो मैंने एडिट में गया कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट डी ये आ जाएगा, शॉर्टकट है, एडिट में गए एंड शिफ्ट डी, ये पार्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी 4 and 5 पे गए, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे क्या किया, 1, 2, 3, 4 and 5। एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, जैसे देखो मैंने इसके अंदर जो मैंने बनाया था तो कंट्रोल शिफ्ट है, यहाँ देखो अभी इसके अंदर एक चीज़ और भी होता है, ऑल टच करो यहाँ पे, अंदर से हॉलो कर रखा देखो, ठीक है, यहाँ पे अंदर का पॉलीगन भी बचाया हुआ है, तो इसलिए आपको मैंने बताया भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑल्ट एच कर दिया, ठीक है, हॉल है मेरे पास यहाँ पे, है ना, तो हमें कंबाइन कर देंगे, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट, रोटेशन दे देंगे यहाँ पे, रोटेशन यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे रोटेशन कर दिया लाइक 90 कर देंगे, -90 फ्रंट में गए, ठीक है, यहाँ से मैंने इधर सेट कर दिया, यहाँ पे देखना यहाँ पे ये इधर ऐसे और टॉप में जाते हैं, टॉप में जाकर इसको मुझे इधर से सेट करना है, यहाँ पे देख रहा है ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे रहेगा यहाँ पे, ठीक है, आप चाहो तो इसे सेंटर वाइज भी आप चीज़ को डील कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल शिफ्ट है, ज्यादा थिकनेस देख रहे ये देखा पे सेंटर लाइन दिख रहा है, सेंटर लाइन पर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो इसीलिए इस चीज़ में आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले भाई, ये सेंटर लाइन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, टॉप पे गए, फोर प्रेस कर दिया, इसमें जो एजेस है ना, देखो एजेस दिख रहे हैं, ये एजेस को ऐसे करके ऐसे मैं मैनेज करूँगा तो अपना सेंटर पे आ जाएगा, 4 and 5, ओके, फ्रंट में गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, और 4 यहाँ पे देखो, अभी अप डाउन में अगर आपको मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सकते हो, लगता है थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो ये आप ऐसे दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने मेजर पार्ट बना था, एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, बस ये पार्ट बचा, इस पार्ट को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी हम लोग जो मॉडल करने हैं तो इस मॉडल में समझना, यहाँ पे मॉडल बहुत ही बढ़िया सा और तरीके से किया हुआ है, यहाँ पे इसको समझोगे ना, समझने के लिए आपको मैंने फाइल भी दिखाया है, देखो ये ऊपर का जो पार्ट है वो सीधे सीधे है, बाद में ये पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, जैसे हमने ये वाला पार्ट निकाला था ना, ये वाला वैसे ये पार्ट निकला हुआ है, तो आपको यहाँ पे पहले शेप्स को समझ लें, शेप्स कैसे हैं, उसके बाद ये शेप्स को आपको कैसे कटआउट करना है और फिर चीज़ों को कैसे निकालना है, तो ये थोड़ा सा आपको डेप्थ दिखाना है,
यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे गए। अभी यहाँ देखो, अभी ये अगर मैं काम करना स्टार्ट करूँ, अगर मैं चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मैं देखो ये इस वाले पार्ट से भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने देखो ये लिया, समझना, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट आर फाइव स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, मैंने कहा भाई इधर आ जाओ, डब्लू यहाँ पे आ गया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ तक। अब देखो ये पार्ट कैसा है रेफरेंस में, कैसा नज़र आ रहा है, देखो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देख लेना है कि मैंने यहाँ पे देखो रेफरेंस में कैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे किया एंड शिफ्ट एंड बेवल कर दिया सैम्पल वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर काम करो तो आपको चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी और चीज़ों को कैसे फुलफिल होगा वो आपको यहाँ पर मैनेज करके जाना देखा पा, देखें यहाँ पर। तो ये पार्ट आपके यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपको आइडिया मिलेगा। देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप काम करते हो तो काम करने का वो तरीका है, तब चीज़ों को ऐसे मैनेज करके देखो यहाँ पर ऑल टच कर दिया, फोर एंड फाइव यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे ये जो मैंने आगे के तो वर्टेक्स निकाल रखा है ना, इसको मुझे फ्लैट कर देना है। फ्लैट मतलब ये मेरे पास जो पार्ट था इसको, इज इट पॉसिबल मैं इसको स्केल कर दूँ, आठ फाइव स्केल तो चपटा हो जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा करोगे तो भी ख़राब हो जाएगा, फ्रंट पे के तो ये सेंटर पे जाकर छोड़ना है, यहाँ पे जाकर छोड़ दो बस पापड़, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे भी आप करके काम कर सकते हो, जिसको लगे कि मुझे ऐसा नहीं हो रहा वो बॉक्स से कर लो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट है ना, यहाँ देखो, देख रहे यहाँ पे फोर प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाता हूँ। अभी अभी देखो ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, देखो ये ऐसा, ये इसमें देखो ब्लैक और ग्रे कलर आ रहा होगा, ये ग्रे कलर सही है ये गलत है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्मल्स का प्रॉब्लम है। फ्रंट पे के कंट्रोल शिफ्ट होने से देखो सब कुछ ग्रे नज़र आ रहा है, ये ब्लैक नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सब कुछ सेलेक्ट कर दो, शिफ्ट राइट क्लिक फेस नॉर्मल्स, यहाँ पे फेस नॉर्मल्स पे गए, यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे रिवर्स नॉर्मल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे गए तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फोर प्रेस कर दिया यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, यहाँ देखो ये अपने बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करोगे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे पहले तो काम ये आपको पहले बाहर निकाल देना है, ये पार्ट आपको बाहर होना है, बाहर मतलब देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको डिस्टेंस देखो यहाँ से मैंने बता रखा, देखो ये कितना बाहर है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे गैपिंग में लेके चलना है कि भाई गैपिंग में इतना बाहर है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर देना है, एजेस को सिलेक्ट कर देना है, एजेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये सिंपल एक्सट्रूड किया। अभी सिंपल एक्सट्रूड पर देखो, तो ये एक्सट्रूड जो किया मैंने यहाँ पे, इसको मुझे जैसे हमने आरफो स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे मैनेज कर दूँ यहाँ पे, देखो देख रहे यहाँ पे अभी गैपिंग, देखो इतना पार्ट हमने यहाँ पे स्केल किया, ये जो पार्ट नज़र आ रहा है ये पार्ट हमने स्केल किया, इसको समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ये इतना ही पार्ट आपने स्केल करके दे रखा है इतना पार्ट, बाकी सीधा सीधा पार्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इतना ही काम करें जितना हमारे पास हो सके, इतना पार्ट मैंने किया, इतने पार्ट को पहले मैच करो यहाँ पे। मैच कैसे करेंगे, इसको पकड़ लिया मैंने, चल भाई इधर आ जाओ, फोर प्रेस कर दो यहाँ पे, ये देखो ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये आपने इसके साथ कर दिया, आपने ये पार्ट आपने इसके साथ कर दिया, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पर हो रहा है, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया यहाँ पर, ये अपने मॉडल का बेसिक मॉडल आपने बना दिया यहाँ पर। इसके बाद इस पर प्रेस करो, यहाँ देख रहे हैं आप इसको, देखो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में जाके देखो, इसे प्रोस्पेक्टिव बना लो, किसी को भी आप प्रोस्पेक्टिव भी बना सकते हैं यहाँ पे। एजिस पे गए एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। अभी मेरा साइड व्यू था, साइड व्यू का ये साइड व्यू कर देते हैं, राइट साइड व्यू कर दिया यहाँ पे, कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, सो में जाके कैमरे को कर दिया मैंने ऑफ, ठीक है। देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, देखो ये शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, देखो ये सीधे एक्सट्रूड यहाँ पे कर देते, मेरे पास एक लाइन यहाँ पर हो जाएगा, तो ये पैटर्न आपको देखेगा आपको, ठीक। अभी इसी के ऊपर से जैसे देखो यहाँ पे, अभी इसको हमने ये कर दिया, अभी यही बेसिक से दो बार हमें करना है, लेकिन इसमें देखो इसके अंदर जो मैंने वहाँ यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे, ये इतना बार है, ये थोड़ा सा बार है, थोड़ा सा बार है, बेसिक सेप तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, ये आगे आगे करने वाला पार्ट आपको यहाँ पे मैनेज करके देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। देन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ का जो पार्ट है उसको मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ के पार्ट को मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे हमने फेसेस पकड़ लिया यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी शिफ्ट एंड एक्सट्रूड के देखो यहाँ पे ये पार्ट में कैसे दे सकता हूँ, अब यहाँ से एक्सट्रूड करते तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा पार्ट है, अगर यहाँ पे मैं एजेस देके करूँ तो मेरे ज़्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अंडू किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं एजेस कैसे दे सकता हूँ, देखो एजेस देना मैंने आपको बताया, रिंग एंड स्प्लिट,
एक पार्ट यहाँ पे दिया, एक पार्ट आपने रिंग एंड स्प्लिट यहाँ दिया, आया यहाँ पे। अब ये एजेस को मुझे नीचे लेके आना है, तो शिफ्ट राइट क्लिक एक ऑप्शन होता है, इसे बोलता है स्लाइड एज लेफ्ट टूल, ये नीचे आएगा देखा, आ रहा है पे, डबल क्लिक किया शिफ्ट राइट क्लिक एंड स्लाइड एज लेफ्ट टूल, ये देखो ऊपर से नीचे आ गया पे। ओके, ऐसे काम हो सकता है। इसके सिवा आप स्पेस बार में गए, यहाँ पे आपने क्या किया, फेसेस को सिलेक्ट कर दिया पे, दिस वन एंड दिस वन। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हो, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, तो अगर आप यहाँ पे एक्सट्रूड करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है भाई, यहाँ पे ऐसा हमने जो किया वो किया, इसके तो मैं यहाँ पे जो वर्टेक्स लेता हूँ, वर्टेक्स पे गए, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट में बस कहाँ जा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे एक और काम करना है, जैसे हम देखो ये जो पार्ट हमने आगे बढ़ाया, ये पार्ट मुझे यहाँ पे भी मैनेज करके दिखाना है। तो अभी फिलहाल में जो मैं देखो जो काम की चीज़ थी उसे मैं हाइड कर देता हूँ पे, दिस वन ऑब्जेक्ट मोड पे गए, एच फॉर हाइड यहाँ पे गए। अब देखो ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है इसको समझना है, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, इधर इधर का पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एक डेप्थ भी देना है, डेप्थ देने वाला जो पार्ट दिख रहा है भाई, ये जो पार्ट है यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक। अभी इसके पीछे एक मुझे सेगमेंट्स का एक और रोल देना है, जिसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना, ताकि मैं जो यहाँ पे डेप्थ दिखा सकूँ, देख रहे हैं भाई, एक एजेस का डेप्थ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, मुझे जो यहाँ पे एजेस का जो डेप्थ देना है वो यहाँ पे दिखाया देगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ तक इसी पार्ट को थोड़ा सा मैनेज कर देखा, अब यहाँ पे देखा ये सब फ्लैट ही दे रखा है यहाँ पे, सिंपल ये एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड कर दिया, बाकी हमने यहाँ पे क्या करते हैं वो सब टेक्सचर से ही काम करके देख रहे, ये एक्सट्रूड कर दिया। अभी ये एक्सट्रूड में अगर कर दूँ ये बेसिक सा पार्ट, तो अभी ये एक्सट्रूड करने के लिए मुझे ये पार्ट को मुझे यहाँ से, ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे टेक्सचर में देना पड़ेगा, यहाँ पे इतना मैंने कर दिया, इस वाले पार्ट को अगर मैं इतना कर देता देखा, ठीक है भाई, तो अभी ये जो पार्ट मैंने दिया वो टेक्सचर में दे रखा है, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं फिर से एक बार एक्सट्रूड कर देता हूँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया दिस वन, देन यहाँ से मैं देखो यहाँ पे फिर से मुझे कैजेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, एक ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, एजेस मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ देख रहे हैं भाई, ये एजेस मैंने यहाँ पे दिया, ये एजेस मैंने यहाँ पे दिया, अभी बस एजेस देखो कहाँ से घूम घूम कर आ रहा है, मुझे चाहिए कितना, सिर्फ यहाँ पे दो एजेस चाहिए थे, लेकिन वो जा कर रहा है इधर से उधर, मुझे इतना ट्रैवल नहीं कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, इस एजेस को रखा, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, बाकी इतना मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया, इसको डिसलेक्ट करना, तो शिफ्ट प्रेस करके डिसलेक्ट करो, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करो, ये डिसलेक्ट हो जाएगा, एंड सेफ्ट एंड डिलीट कर दो। यहाँ देखो ये भी पार्ट दिख रहा है, अभी यहाँ तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, सेफ्ट एंड डिलीट कर दिया यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ये जुड़ गया देखो, दो नाइजेज आ गए मेरे पास यहाँ पे, बीच में वर्टेक्स तो कोई वर्टेक्स तो नहीं है, देखो तो यहाँ पे भी हम जो काम करें ना इनको देखो तो यहाँ पे कनेक्टिविटी दे देंगे, तो जैसे मैंने देखो मल्टी कट किया यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ देखना पे एक्सप्रेस, हमारे स्नैपिंग कहीं ऑन तो नहीं दिखे यहाँ पे, जो मैं पे काम कर रहा हूँ पे मल्टी कट में गए, मल्टी कट ठीक है ना, ये इधर इधर एक चीज़ और ध्यान देना, देखो सेलेक्ट है एक दो पार्ट ठीक है यहाँ पे, और मल्टी कट ठीक है, मल्टी कट पे गए यहाँ पे, रीसेट कर लें एक बार, कई बार हमारे से बहुत बढ़िया काम नहीं किया तो रीसेट कर सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो इधर मैं कर रहा हूँ जा कहीं और रहें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट यहाँ पे देखो फेसेस को कर दिया डिलीट, यहाँ पे आ गया ठीक है, यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो मल्टी कट पे अगर मैं पे देखो ये स्नैप कर देखा यहाँ पे, ये अगर मैं पे करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे स्नैप यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे देखना ये मैं इधर इधर ये एंगल पे मुझे आकर काम करना पड़ेगा, देखा तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगर ये काम आता देखो ये ऐसे ठीक है और ये ऐसे अपने आप ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट होगा तो मेरे यहाँ पे काम करेगा, ओके। कभी मेरे पास अगर माया बहुत बढ़िया काम नहीं करता, देखो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आ नहीं रहा हूँ, एंटर किया है तो मुझे माया को एक बार रीसेट भी करना पड़ेगा। जब हम काम करते हैं ना पे देखो जब मैनुअल काम करते यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देगा, ये यहाँ तक कर दिया अभी यहाँ तक आ गया एंटर, ये सिंपल सी क्लाइंट देनी है ठीक है। इसको मुझे यहाँ पे क्या कर देना वी एन स्नैप कर देना, वी ए स्नैप कर दो यहाँ पे, फोर प्रेस कर दो मर्ज मर्ज टू सेंटर फोर एंड फाइव यहाँ देखो
तो आपका पार्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा। सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे भी काम करना है। देखो ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे मल्टी कट, यहाँ पे ये आपको देखो थोड़ा प्ले करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे। वैसे यूजुअली ये आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है, देखो मैं अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करके वी एन स्नैप कर दूँ, तो मेरे यहाँ पे वी एन स्नैप इधर आ गया, इसको सेलेक्ट कर दिया, वी एन स्नैप कर दिया, तो मैं ऐसे भी करके मैं काम देखो कर सकता हूँ। मर्ज मेट्रो सेंटर 4 और 5 फ्रंट में गए, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ देखो यहाँ से मैंने वर्टेक्स लिया, वर्टेक्स को मैंने पकड़ लिया, भाई मेरे वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है देख ना भाई, ये इधर है ये इधर है यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, फेसेस मैंने लिया 1 और 2 फ्रंट में गए एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, अंडू किया एक्सट्रूड ही किया था कि नहीं किया था, देखो शिफ्ट देखो दूसरा ऑप्शन हो जाता है, हम लोग फेस अंडू कर लेंगे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड फेसेस। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने लिया और इसको मैंने ऐसे ऊपर मैनेज कर दिया, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, फोर प्रेस करना, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेके चलते हैं W, यहाँ से मैंने इधर से सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ये जो पार्ट देखें आप, ये आपको इधर तक लेना है यहाँ तक, ये पार्ट आप यहाँ ले लोगे तो बाकी हम लोग टेक्सचर में पेंट कर देंगे, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये जितना भी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, फ्रंट ऐसे ही दिख रहा है, इधर का पार्ट नहीं है, हाँ वो टेक्सचर में पेंट कर देंगे हम लोग, जो टेक्सचर में हमने पेंट किया ना, देखो ये पार्ट में आप देखें तो मैं टेक्सचर में इतना पेंट कर दूँगा तो वैसे यहाँ पे काम हो जाएगा। मैंने कहा भाई मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक इधर भी लेना है इधर, तो मैं ऐसे भी करके मैं दे सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पर अगर काम करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ तक दे दिया, तो मैं ऐसे करके काम कर दूँगा यहाँ पर, लेकिन मैं टेक्सचर में डेप्थ दिखा दूँगा यहाँ पर, टेक्सचर के दिखा। अभी देखो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी है, अगर मैं कहूँ ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ ताकि मैं यहाँ पे पेंट करूँ, मेरे यहाँ पे काम आ सके, तो रेफरेंस थोड़ा सा ठीक कर लेना यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया 4 और 5 यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ऑलमोस्ट हमारा शॉट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है एक यहाँ पे देख ले यूवन, यहाँ पे सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है इधर से मैंने दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ऑलमोस्ट अगर देखा है तो सब कुछ हमने यहाँ पे बना लिया है, फोर प्रेस कर दो, ये पार्ट हमारे यहाँ पे रेडी हो गया, ऑल टच 4 और 5, ठीक है। अभी इनको मैं आधे पे ही रखने वाला हूँ, आधे पे क्या क्यों रखूँगा, देखो यहाँ पे जो एक तो पहले अलाइनमेंट सेट कर दो यहाँ पे, देखो मैंने जो काम किया यहाँ पे सब कुछ का अलाइनमेंट हाफ ग्रिड पे होना चाहिए, तो देखो मैं ग्रिड पे देखो ये नीचे वाला पार्ट में उस ग्रिड पे है, ये हमने पहले बनाया ना ये ग्रिड पे है कि नहीं, ये ग्रिड पे नहीं होगा तो हमारा काम सही नहीं होगा, तो मैं सबको एक एक करके मैं रखता हूँ। जैसे मैंने क्या किया H4 height ये कर दिया मैंने, यहाँ पे भी H4 height कर दिया, यहाँ पे ये H4 height यहाँ पे देखो यहाँ पे देखा इसको पकड़ लो यहाँ पे गया। अभी ये जो मैंने काम किया मेरे पास ग्रिड पे होना चाहिए, तो ग्रिड पे अगर नहीं होगा तो मेरे पास काम सही नहीं है, देखो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव में क्या है 4 और 5 यहाँ देखा सेंटर पे ही होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर ये देखो डबल पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जो हमने किया ये सारे फेसेस को मुझे यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, अंदर एक भी फेसेस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक डिलीट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे मेक श्योर, देखो यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग वो दिख रहे हैं, इससे जिसकी नीड नहीं है तो मैं इसको जिसकी नीड नहीं उसे हटा भी दें, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये अगर इस वर्टेक्स को या तो मैं इस एजेस को रिमूव कर दूँ यहाँ पे तो मेरे पास काम हो जाएगा, देखो ये एजेस की नीड है क्या यहाँ पे, देखो नहीं है, शिफ्ट एंड डिलीट हो गया काम, इस एजेस की नीड है क्या, नहीं है, शिफ्ट एंड डिलीट ये आपका हो गया। देन जब आप इसको मैनेज करोगे देखो ये फ्रंट एंड ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाओगे, देखो ये आपका ऐसा होना चाहिए अलाइनमेंट, देखो अभी ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, जब आप इसको अलाइनमेंट नहीं करोगे तो फंस जाओगे यहाँ पर, ये कॉर्नर एजेस आपका आल्फा स्केल होना चाहिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये ग्रिड पे होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक एक करके आराम से बता दूंगा, देखो यहाँ पर आपको लगे नहीं है एक्स प्रेस करके स्नैप कर दो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो दिक्कत है, देखो ये फेसेस आपको नज़र आ रहा है, ये भी आपको डिलीट करके ये भी आपको इधर ही लेके जाना है, ठीक है एक्स ऑन करो, ये देखो आप आ जाएगा अपने आप। तो ये बेसिक फंडा है, बनाते मॉडल बहुत से लोग हैं लेकिन ये बेसिक काम करना भूल जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको भी मैं आधा करके ही लगाऊंगा, उसके बाद में इसको देखो ये आधे पे ही है, आधा करके लगाऊंगा बाकी इसमें मेरे पास काम हो जाएगा, ठीक है।
कंट्रोल शिफ्ट एन एच डिस्प्ले पे गए, सो एंड ऑल काम करो तसली से करो के। रेफरेंस मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, इनकी भी अभी नीड नहीं है, ठीक है। तो एक क्लियर पे डाला मैंने, ऑफ कर दिया यहाँ पे, इसको पकड़ लेते हैं ऑल्ट एन एच, देखो यहाँ पे अभी ग्रिड को पकड़ो, ग्रिड का यूज़ देखो, ग्रिड का यूज़ आप पता चले, ये देख रहे हैं, ये आपका पार्ट आपका यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर। कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ देखो, अभी ये मैंने अंदर किया तो ये सब भी अंदर हो रहा है। तो मैं अगर इसको अंदर नहीं करके देखो, यहाँ पे देखो डिस्प्ले पे गए, मुझे अगर वहाँ तक वो सही लग रहा है तो मैं पीछे के सिर्फ लाइन को मैंने बनाऊंगा। अभी ये देखो मेरे पास रेफरेंस में जो मेरे पास दिख रहा है, ये सब इसके अंदर है क्या? ये इसके अंदर में है, तो ये सब अगर मैं जो शॉर्ट बनाया है ये सब किसके अंदर होना चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए। तभी यही पहला काम, इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पर। देखो मैंने ग्रिड के लिए यहाँ पर रखा, तो मैंने इसको पहले सेलेक्ट कर दिया, ये मेरा ग्रिड यहाँ पर, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। इसको मैंने पकड़ लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ओके। आप यहाँ पे इसको अगर देखो पाइवट चेंज करो, W डी एन एक्स या डी एन वी पर कर दो, ये वर्टेक्स पे आएगा, फिर X पे जाओ, ये X पे आ गया यहाँ पर। अभी X पे देखो, X पे पूरा सही आ रहा है, इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक, ये देखें यहाँ कुछ तो छोटा है, देखें क्या छोटा है यहाँ पे। एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा पता चल जाएगा, एक्स्ट्रा तो डिलीट कर देना आप यहाँ पे। फ्रंट पे गए, ये देखा आप फ्रंट एंड लेफ्ट साइज पे जाओ यहाँ पे, देखिए देखे ना, ये आपका पार्ट आपको यहाँ पे, ये देखे ये अपने यहाँ पे कर दे, ठीक है। अभी यहाँ पे गए, यहाँ से देखे ना, अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इतना पार्ट, और एक्स प्रेस करके आगे कर दिया यहाँ पे, फोर एंड फाइव यहाँ पे देखो। तो अभी इन चीज़ों को अगर ध्यान से देखो, तो देखो कौन सा पार्ट आपका अंदर, कौन सा पार्ट आपका बाहर, देखिए देखें यहाँ पे। फ्रंट में गए, वर्टेक्स को लिया मैंने यहाँ पे, भाई ये पार्ट अंदर की तरफ जाता नज़र आ रहा है, तो इसको मैंने सीधे सीधे अंदर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे ऊपर है तो ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है ना भाई। अभी ये जो पार्ट है, जैसे अगर मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ, तो मुझे अगर लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस, मुझे इसको मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा थिकनेस को अगर मैं कम करता था, यहाँ पर मैंने दिया यहाँ पर, तो ये थिकनेस थोड़ा सा कम रखा इतना है, तो मैंने थोड़ा सा इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको हल्का सा मैंने देखा यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। टॉप पे गए, मुझे लगा कि भाई ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को इधर से कम करता हूँ, ठीक है, इधर से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, तो कोई पार्ट मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस हो गया मेरे पास। जब अगर एक जब मैं डिटेल देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे देखना पड़ेगा भाई कितना सही लगेगा, इतना ठीक लगेगा तो दिस इज़ गुड, ठीक है, ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद हम लोग इसकी पोजिशन हम लोग यहाँ से अरेंज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, तो इसका पार्ट फिर से चेंज करता हूँ, डी एन एक्स एंड डी एन वी प्रेस करता हूँ, वी प्रेस करने पे वर्टेक्स पे आएगा, फिर एक्स पे जाता हूँ, देखो यहाँ पर। अभी मुझे यहाँ पर आइडिया लगा भाई इतना काम है, तो इतने पार्ट को मैंने यहाँ पर दिया, और देन यहाँ पर चूहे को मैनेज कर देता है। और ये आपको ना देखो फ्रंट और साइड जब आपको रेफरेंस मिले, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे अभी आप फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ देखो, ये आपका पूरा पार्ट आपको देख, ये थोड़ा सा काम करना, तसल्ली से काम करना, ये आपका पार्ट आपका ऐसे देखे तो आपका मॉडल सही है। अंदर में कोई फेसेस आपका ये नहीं दिखना चाहिए, कोई भी चीज़ छूट जाए तो आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना, ये एक ही रखना है, इसलिए मैंने ऐसे रख रखा, बाकी आपका ये मॉडल रेडी हो गया। तो इतना चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं चीज़ों को फुलफिल कर, ठीक है। इसमें एक आध चीज़ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट था, यहाँ पे देखें डिस्प्ले सो एंड ऑल, कहीं छूट तो नहीं गया यहाँ पे, एक बीच वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे था, और ये देखो अंदर देख रहे हैं भाई, वाई फाई का आपका यूज़ पता चलेगा। एंड देन राइट साइड पे गए यहाँ पे, देखो ये आपको पार्ट आप यहाँ से अरेंज करके यहाँ पे देख सकते हो। अब ये चीज़ ध्यान देखें, यहाँ पे जो आपका अलाइनमेंट है ना, ये आपको ध्यान देना है, देखें यहाँ पे ये टच में रहना चाहिए। मॉडलिंग की अभी जो टेक्निक है वो आपको ऐसे करके मैनेज करके देना है, जब चीज़ों को रखोगे ना, देखो ये मेरा पार्ट यहाँ पे है, दिख नहीं रहा, फोर एंड फाइव देखो आप, देखें अभी मैं इसको जब मैं लेके जाता हूँ ना यहाँ पे, ये अंदर तक घुसा हुआ है, इसको देखो ये देख रहा है ये पार्ट। अब देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसे कैसे नजर आएगा, जब मैंने यहाँ पे काम किया ना मॉडल पे, ये मॉडल देखो, ये मॉडल आपको फ्लैट होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं अप डाउन है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, वन टू थ्री एंड फोर। ये कब ठीक होता है, जैसे देखो हम लोग एक्सट्रूड करते हैं लोकल पे, तो लोकल में कई बार ऐसा होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखें ना, जब मैंने सेट किया फ्रंट एंड साइड साइड में गए, फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे भाई कैसे अप डाउन है यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों ने आर प्रेस किया, आर है, और देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ समझना, धीमे धीमे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा। देखो ये देखो ये मैंने फ्लैट कर दिया, अभी को ये फ्लैट कर दिया तो मेरे पास अभी ये सही आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हल्का सा मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया,
रख सकते हैं यहाँ पर, तो 4 और 5 पे हम चाहिए इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं अलाइन में देखो, यहाँ पे फ्रंट में गए, जब आप मॉडल बनाओ मॉडल में आपकी इतनी डिटेलिंग हो, देखें ठीक है भाई, ये देखो कितना अलग सा लग रहा है आप। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैंने यहाँ से अरेंज कर दिया, देखो ये अरेंजमेंट हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे, जब एक लाइन में दिखे तो ये मॉडलिंग की टेक्निक यही होनी चाहिए। आप यहाँ पे आराम से चीज़ों को मैनेज करोगे तो चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। देखो यहाँ देखें भाई, इसको भी सिलेक्ट करें, देखो यहाँ पे एक ही लाइन में नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे एक लाइन में यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे देना है भाई। मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता तो मैं कैसे मैनेज करके दूंगा, ये देखा पे ठीक है। ऐसे करके हम लोग काम करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा सा टचअप देना है, जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये सीधे दे रखा है, यहाँ पे मैंने दूसरी फाइल पे भी दिखाया है ठीक है, देखो ये कम सा दे रखा है राइट साइड में, ज़्यादा गैपिंग नहीं है, जैसे उसको मैनेज कर वैसे इसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ट्विकिंग वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे देंगे, देखो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ देखें, यहाँ पे अभी गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा ओवरऑल यहाँ पे अभी कम कैसे करें, स्केल नहीं करेंगे यहाँ पे, स्केल की कंडीशन हमारे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले तो काम इसको मैंने इस दोनों को कम्बाइन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, एक दोनों जोड़ दिया, देखो 1 और 2 शिफ्ट एंड कम्बाइन कर दिया। कम्बाइन करने पर यहाँ पे एक साथ हो गए वर्टेक्स पे गए, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे उतनी रखना जो थोड़ा सा देखने में ठीक लगे, बहुत ज़्यादा गैपिंग में नहीं रखना है। तो आप ऐसे चीज़ों को मैनेज करके देखो तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, और एक आपका शॉट अच्छा सा बढ़िया सा आपका यहाँ पे रेडी हो गया है ठीक है। ये ध्यान देना कोई पूरा राउंड नज़र आ रहा है, ये पॉइंटेड नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे लगे पॉइंटेड वहाँ पॉइंटेड देना है। और देन आपको जब चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है राइट क्लिक करना, साइन न्यू मटेरियल ठीक है, आर्नोल पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस ठीक है, प्रीसेट पे गए, और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसको मैं कहता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे जैसे क्ले है तो मैंने क्ले कर दिया यहाँ पे ठीक है। इसको अगर मैं मैनेज करने वाला तो अभी एक तो आपके पास ट्राइज कितने हो गए, ट्राइज में 251 ट्राइज में शायद 251 है या 281 है या 201 है शायद, हाँ तो इतने में आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही छोटा सा नज़र आ रहा है। तो अभी इतने में हमारे पास एक शॉर्ट बन गया है, इसको कंट्रोल डी कर दिया, पहले तो कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी से ग्रुप एक मॉडल आ गया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, राइट क्लिक करना, साइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं AI वायरफ्रेम कर देंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि मुझे एक प्रेजेंटेशन और करना है, एक को सिलेक्ट करो, एक गेमिंग एरो होता है अपर एरो एंड के नीचे जो एरो ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट, एंड देन यहाँ से मैं कर सकता हूँ, देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, राइट क्लिक करना, साइन न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल बोला मैंने, न्यू मटेरियल, देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो एम्बिएंट ऑक्लूजन। अभी जो आपको यहाँ पे करना है, आर्नोल पे गए, लाइट पे गए, लाइट में आपने स्काई डोम लगा दिया यहाँ पे ठीक है, यहाँ से एक पार्ट आपका सब मैनेज करो आप यहाँ पे, देन चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करो, देखो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। और देन मैं अगर रेंडर करके देखो, रेंडर मूवमेंट यहाँ पे क्या देखेगा, जैसे मैंने वायर फ्रेम पे मैंने डाला है तो ट्रायंगल ही रहने दिया, देखो अभी देखो ये ट्रायंगल ही गेमिंग के लिए आपको देखते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ से मैंने जब चीज़ को मैंने मैनेज किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ट्रायंगल को किया मैंने पॉलीगन कर दिया यहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे देखो आपको सारे जो एजेस है वो आपको दिखेगा यहाँ पे कि वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कैसे कर रखा है। ए वाला बहुत ज़्यादा डेप्थ में नज़र नहीं आ रहा है, मैं बस डोम है ना यहाँ पे, इस डोम को कंट्रोल ए, जो हमने कलर दे रखा ना इस कलर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं थोड़ा सा ब्लू इसमें लेकर चलते हैं यहाँ पे ठीक है, ताकि वो चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखे क्या। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर से मैंने लिया ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में आएगा भी, सब कुछ अभी बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, अभी आपको चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे और चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है। अपने यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपल सा पार्ट, आप यहाँ पे गए फाइल में आ गए, सेव में जाकर ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे कलर मैनेज में गए, अप्लाई एंड क्लोज ठीक है, सेव इमेज आपको यहाँ पे सेव करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे मैंने हैंड पेंटेड मैंने एक शॉट बना रखा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया SWORD शॉट ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हो गेमिंग शॉट भी कर सकते हो, गेमिंग शॉट कर सकते हो आप यहाँ पे, और देन आप इसे सेव कर देना। आप यहाँ पे फाइल जो आपका सेव होगा वो आपका यहाँ पे होगा, ये देखो यहाँ पे ये रेंडर सेव किया, फाइल को सेव करना है, फाइल को सेव करने के लिए आप यहाँ जाके कैसे सेव करोगे, फाइल पे गए, सेव एज ए सीन ठीक है, और इन चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। डेस्कटॉप पे गए, हैंड पेंटेड शॉट है यहाँ पे, तो मैंने हैंड पेंटेड SWORD शॉट यहाँ पे फाइल सेव कर देना, फाइल का जो सेविंग का ऑप्शन होगा ये आपको यहाँ पे, तो ये आपका पूरा पार्ट आपको करके ट्राई करना है।